आजकल अपने फायदे के बारे में हर कोई सोचता है, लेकिन दूसरों के हित के बारे में कोई नहीं सोचता। आज हम मानव जागृति सेवा समिति के पवित्र प्रांगण में हैं, जिनका मकसद है लोगों के अंदर की मर चुकी जमीर को जगाना। ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासु यद्भद्रं। और आज यहाँ पर बहुत ही सराहनीय कार्य इनके पूरी टीम के द्वारा किया गया। फिलहाल हमारे साथ यहाँ हमारे बड़े भाई सुशील शर्मा हैं, जिनके अंदर ये ख्याल ना जाने कहाँ से आ गया, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ में लोगों को अपने से ही फुर्सत नहीं है, तो दूसरों के बारे में क्या सोचें। सुशील जी, दूसरों के हित के बारे में ये सोच कहाँ से पैदा हुई आपके अंदर? सबसे पहले तो मैं मानव जागृति सेवा समिति की तरफ से जितने भी भाई मुख्य अतिथि अतिथिगण जो साथ आए हुए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वह मीडिया भाइयों का भी सभी से दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले जब एक बार मैं बिग बाज़ार की तरफ जा रहा था, तब मैंने देखा कि भाई बच्चे भी गरीब है, जो बर्गर की रेडी होती है उसके साथ जाके देखते हैं, कि देख के हर रोज़ आते हैं लेकिन उनके खाने का मन करता है, पैसे नहीं होते, वो गरीब होते हैं। इसलिए कि मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे, जब उन्होंने हमने देखा उनसे, वो उनको एक बर्गर खिला तो वो बहुत खुश हुए। उस दिन से मैंने ठाना था कि भाई कोई भी गरीब हो, जो निजी तौर से, जो कई बार ऐसे होते हैं कि वे लोग नाम से भीख मांगते लेकिन वो गरीब नहीं होते, लेकिन हमने रियल गरीब है, जो बड़े बुजुर्ग है, जो जिनको घर बार नहीं है, उनका हम ऐसा भी साधन अपनाएंगे उनके लिए, जो उनकी व्यवस्था करेंगे, और जितने भी गरीब है हम पूरी टीम जुड़ के उनका सहयोग करेंगे। बिल्कुल सुशील जी, कई लोग हैं मदद करना चाहते हैं, अपने नेक कमाई से दान करना चाहते हैं, लेकिन कई लोग दान के नाम पर उन्हें ठग लेते हैं, लेकिन आपकी संस्था बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। अगर आपकी संस्था द्वारा कुछ उद्योगपति एवं समाज सेवी जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखो जी, सबसे पहले तो हमने 15-20 मेंबर है, हमने सब एक ही सोचा कि जितनी हमारी मेहनत होती है उसमें से हम 15% निकालते हैं, सब मिल के सहयोग करते हैं, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो सभी से यही चाहता हूँ कि जो भी हो सके सभी लोग जुड़े, और जुड़ के सभी जहाँ भी अपने आस पड़ोस में हो, कोई भी गरीब हो उसकी मदद करे, हमारे साथ जुड़ना चाहते हमारे साथ जुड़े, जिस हिसाब से तन मन धन से हमारा सहयोग करे। सच्चे मानव की पहचान यही होती है, क्योंकि मैंने इनसे ये निकलवाने की कोशिश की कि ये कहें कि आप हमारे साथ जुड़िए, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए, इन्होंने ये कहा जो भी अच्छा काम करता है आप उसके साथ जुड़े। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर आज के जो आदरणीय चीफ गेस्ट हैं वो हमारे साथ हैं। आपको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया, आपने क्या कुछ यहाँ पर विश्लेषण किया और देखा? जब सुशील शर्मा जी मेरे पास आए तो इन्होंने बताया कि मानव जागृति सेवा समिति हमने एक संस्था बनाई है, तो मेरा पहला प्रश्न था इनसे, मैंने कहा भाई ऐसा है कि आजकल जो संस्थाएं बनती हैं वो बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्तियों को मुख्य अतिथि बनाते हैं और अपेक्षा करते हैं कि मैं तो एक मैं का साधारण सा व्यक्ति हूँ। तो इन्होंने कहा नहीं, हमने अपने घर से चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, हम घर से अपनी सेवा का एक संकल्प लेकर के चले हैं, और हमने सोचा है कि हम जितने भी कार्यकर्ता हमारे मेंबर बनेंगे वो 15% अपने जेब से इस संस्था को योगदान देंगे, और पहले जो व्यक्ति घर से करता है वो व्यक्ति कामयाब होता है। और इन्होंने जो बताई मुझे परिचय दिया अपने साथियों का कि ऐसे सिंसियर लोग हैं, ऐसे ईमानदार लोग हैं, ये हमारी टीम वर्क है, जो टीम जो है। और मैं समझता हूँ कि अगर युवा ये सोचने लग जाए तो हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकता है। आज जो हम कलयुग के अंदर देख रहे हैं, परिवारों के अंदर जो टूट फूट हो रही है, उसके अंदर ऐसे युवा निकल करके और इस तरह से संकल्प लेना और इस तरह से आगे बढ़ना, वो अपने आप के अंदर एक उदाहरण है। मैं सुशील जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी ये संस्था तरक्की करे और आयाम छुए और ऐसे लोगों की मदद करें। इनका आने वाला समय पानीपत के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे आगे संस्था का नाम हो, हिंदुस्तान में नाम हो, और ये समाज सेवा करें, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद। बिल्कुल, आप जैसे लोगों से ही संस्था सुशील जैसे लोग चला पाते हैं। फिलहाल हमारे ब्राह्मण देवता हमारे साथ हैं, हमारे समक्ष हैं, तो सबसे पहले तो दंडवत है आपको, जो जनता जनार्दन आपको देख रही है क्या कहेंगे आप? देखिए, इस संसार में आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बना जंजीर, जितने भी बंधु बांधव स्नेही स्वजन हैं सबको एक दिन जाना है। हम अपने हाथों से जितना सत्कर्म करते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। मानव जागृति सेवा समिति ने आज छोटा सा कार्यक्रम किया, कार्यक्रम कोई छोटा नहीं होता, हमारा मन कभी छोटा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे शर्मा जी बता रहे थे कि हमने एक छोटी सी सीढ़ी से चलना आरम्भ किया,
आज हरिद्वार में ही अपितु वृंदावन में भी और धर्मनगरी पानीपत में ही संपूर्ण सेवाएं कर रहे हैं। तो आज हम लोग इस छोटे लेवल पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग एकजुट होकर अगर कार्य करेंगे तो मानव जागृति सेवा समिति धर्मनगरी पानीपत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में इसका परचम लहराएगा। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ यहाँ जो लोग पहुँचे और विशेषकर हरियाणा रिपब्लिक वालों का, क्योंकि आज के समय में नारद, एक जो भगवान के समय नारद जी होते थे ना, जिनकी कार कभी रद्द नहीं होती थी, आप कलयुग के नारद जी हो। बिल्कुल, इससे मैं आपको ब्राह्मण देवता रोकना चाहूंगा, जैसा कि कहा कलयुग के नारद हैं, तो उसी प्रकार आजकल कलयुग के संपाति आपको कह सकते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य आप पे हम याद दिलाते रहते हो कि मानव की सेवा कैसे की जाए। धन्यवाद, मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद करूंगा। और ऐसे ही हम तो सनातन धर्म के प्रति एक सिपाही के रूप में सेवा कार्य कर रहे हैं, और सबका बहुत बहुत अभिनंदन, सुशील शर्मा जी को बहुत बहुत अभिनंदन, और हमारे पिता तुल्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे शर्मा जी पहुँचे हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, और हमारे दिवाकर मेहता जी, सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आप ऐसे ही हमसे जुड़ें और सेवा प्रकल्प करते रहें, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। तो आइए मानव जागृति सेवा समिति के साथ जुड़कर हम भी मानवता भलाई के लिए कार्य करें, और जो लोग इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनका सहयोग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया गया है, आप वहां से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट